चलिए बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां पर पुलिस और एसओजी ने अवैध रूप से बेची जा रही स्मैक के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अंदर स्मैक का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, जिसके अंतर्गत लगातार नशा करने वालों के खिलाफ में पुलिस कार्रवाई करती जा रही है। तो वहीं एसओजी और वन भूलपुरा पुलिस ने स्मैक के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पिता पुत्र हल्द्वानी के वन भूलपुरा के रहने वाले हैं और ये लंबे समय से स्मैक लोगों को बेचा करते थे। वहीं पूर्व सूचना के आधार पर वन भूलपुरा पुलिस और एसओजी की टीम ने चेकिंग के दौरान वाहन से पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। माइंड अभियान चला था एसओजी और बनफुलपुरा पुलिस का, इसमें एक अल्टो कार को रोका गया। इसमें चेकिंग के समय दो बाप बेटे जो है वो साकिर हुसैन और साहिब हुसैन, इनसे जब पूछताछ हुई इसमें आपका, तो इन दोनों से भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई। टोटल 103 ग्राम दोनों से स्मैक बरामद हुई है। इसमें साकिर हुसैन के ऑलरेडी 3 केस पहले से चल रहे हैं। इसके द्वारा पूछताछ में कुछ नामों का खुलासा हुआ है, जिस पर पुलिस तेजी से कार्रवाई